कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं? एक मजेदार पहेली लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में। ये हमेशा आपको मिल जाता होगा, राह चलते लोग पूछ देते हैं, व्हाट्सएप पर वायरल होते रहता है। ठीक है, आइए इस पहेली का समाधान करते हैं। पहेली कुछ इस प्रकार से लोग पूछते हैं कि हम 100 रुपया लेकर बाजार गए, हम 100 रुपया लेकर बाजार गए, उसमें से हमने 40 रुपया का किताब खरीद लिया तो बचा कितना? 60 रुपया। और उस 60 रुपया में से हमने 30 रुपया का कॉपी खरीद लिया तो बचा कितना? 30 रुपया। और उस 30 रुपया में से हमने 18 रुपया का समोसा खा लिया, बचा कितना? 12 रुपया। और 12 रुपया का हमने गर्लफ्रेंड के लिए डेयरी मिल्क ले लिया, बचा कितना? 1 रुपया नहीं। और कहा जाता है कि टोटल खर्च हमारा हो गया 40, 30, 18, 12 मिलकर 100 रुपया। और यहां अगर हम टोटल बचत जोड़ते हैं तो ये हो गया 102 रुपया। अब बताइए, 100 रुपया ही हम ले गए थे तो ये 102 रुपया कैसे हो गया? ये 2 रुपया ज्यादा कैसे हो गया? इस तरह से पूछा जाता है। अब पूछने वाला तो पूछ दिया, अब जोड़ने वाला इस तरह से जोड़ता है कि अरे भाई सही में 40, 30, 70, 18 जोड़ दिए, हो गया 78, 78, 12 मिला के 100 रुपया। ठीक है, 88 या 12 मिला के 100 रुपया हो गया। 100 रुपया इधर हो गया, इधर जोड़े तो 102 रुपया हो गया। कैसे 2 रुपया ज्यादा हो गया? नहीं। अब जोड़ने वाला टेंशन में, किधर जोड़ रहे थे 100 रुपया और उधर 102 रुपया, और 2 रुपया कैसे बढ़ गया? अब जोड़ने वाला ये नहीं सोचता है कि हम गलत जोड़ रहे हैं या सही जोड़ रहे हैं, हमसे सही जोड़वाया जा रहा है या गलत जोड़वाया जा रहा है। पूछने वाला को भी नहीं पता होता है, उसको भी कहीं से मिल गया क्वेश्चन, वो पूछ दिया। नहीं, अब आप दिमाग लगाते रहिए। यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यह है टोटल खर्च और यह क्या है बचत। बचत भी वो किस तरह से जोड़ा जाता है, 100 में से 40 खर्च कर दिए, 60 बचा दिए, फिर 60 में से 30 खर्च कर दिए, 30 बचा दिए, 30 में से 18 खर्च कर दिए, 12 बचा दिए, ये बचत को हम जोड़ रहे हैं। आप ये बताइए, गणित में कहीं रूल होता है कि कुल खर्च बराबर कुल बचत हो जाए? कहीं रूल होता है कि खर्च बराबर बचत हो जाए? और यहां पर कुल खर्च बराबर कुल बचत कराया जा रहा है तो ये बराबर नहीं हो रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप टेंशन में आ जाते हैं कि ये 100 है तो 102 कैसे हो गया? गणित का कोई ऐसा रूल नहीं होता है कि कुल खर्च बराबर कुल बचत हो जाए। गणित का रूल क्या होता है कि खर्च प्लस बचत बराबर कुल आय, ये रूल होता है कि खर्च और बचत मिला के आय होना चाहिए। तो बाबू टोटल हमारा आय है 100 रुपया, 100 रुपया में 100 रुपया हम खर्च कर दिए, 100 के बराबर 100 हो गया, ये 102 जोड़ना ही मूर्खता है, पूछने वाला ही गलत है, अर्थात ये प्रश्न ही गलत है, इसका कोई समाधान नहीं है। कभी भी 100 के बराबर ये 102 नहीं हो सकता है, ये 2 रुपया बढ़ रहा है। कुछ इस तरह से यहाँ डाटा सेट किया जाता है कि 1-2 रुपया एक्स्ट्रा हो, बाकी आप दूसरा डाटा लीजिएगा तो हजारों का अंतर हो सकता है, ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकता है, खर्च के बराबर बचत क्यों होगा? आप बस इसको जोड़िए कि कुल 100 रुपया था तो 100 रुपया खर्च किए हैं कि नहीं, तो 100 रुपया आप खर्च किए हैं। अब ये कौन कारण है जोड़ने का? ये कौन सा रूल है कि इसके बराबर ये होना चाहिए? ये क्वेश्चन ही गलत है। तो आगे से कोई आपसे पूछेगा तो समझिए कोई बकलोल है और आपको भी बकलोल बना रहा है, तो आप बकलोल नहीं बनिएगा क्योंकि आप गोस्वामी सर के विद्यार्थी हैं। ठीक है, इसी तरह के मजेदार पहेली लेकर हम हाजिर होंगे, हर वीक में एक पहेली आपको सिखाएंगे, गांव घर में पूछे जाने वाला। अगर आपको ये पहेली अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।